एक ईमानदार गवर्नमेंट ऑफिसर, बेहतरीन ऑफिसर है, अच्छी पोस्ट पे है, तो उसको कहीं से एक लिफाफा आता है, एक ऐसा लिफाफा कि जी आप डम करें, भारी कि आप डम कर जाएं, और एक ऐसा काम कर दें जो आपने अब तक नहीं किया, यानी दो नंबर काम, रिश्वत का लिफाफा था वो जी। तो वो मना करता है, कहता नहीं, मैंने सारी जिंदगी ये काम नहीं किया तो मैं अब भी नहीं करूंगा। जब ऊपर के लोग ये देखते हैं कि ये हमारी बात नहीं मान रहा, यानी उनके सिस्टम से नहीं चल रहा, फारिग कर देते हैं, फारिग कर दिया। अब जब फारिग कर दिया उसको, तो घर कैसे चले? उसने क्या किया, उसने अपनी कार को राइट पे लगा दिया। ऑनलाइन टैक्सी जो चलती है, ऑनलाइन टैक्सी, जैसे टैक्सी चल रही है, ठीक है जी, ऑनलाइन ड्राइव शुरू कर दिया उसने, ठीक है। अब दिन में तो चलाता रहा, हाँ। अब चूंकि अखराजात ज्यादा थे, दिन में पूरा नहीं हो रहा, तो क्या किया जाए? उसने सोचा कि क्यों ना मैं रात में भी चलाना शुरू कर दूं, रात में भी, ताकि बैलेंस हो जाए। अब वो रात में भी चला रहा है, हाँ। तो क्या देखता है, एक दिन रात को तकरीबन 1:30 बजे का टाइम, एक राइड आती है, राइड में देखता है तो नाम लिखा है किरण मुख्तार, किरण मुख्तार जी, फीमेल है, फीमेल। ये पॉइंट पे पहुंचता है, पैसेंजर को पिक करता है और उसकी मखसूस जगह पे लेके जाता है। अब जब जगह पे लेके जाता है, गाड़ी ड्राइव हो रही है, चल रही है, चल रही है, कब्रिस्तान शुरू हो जाता है। जब कब्रिस्तान शुरू हो जाता है तो वो मोहतरमा से पूछता है कि आपको कितनी दूर जाना है? वो कहती है बस जरा सी दूर और, मतलब लोकेशन जो एंड हो रही है वो कब्रिस्तान पे, कब्रिस्तान के पास हो रही है। कब्रिस्तान के करीब जब गाड़ी पहुंचती है, वो कहती है बस रुक जाएं। वो गाड़ी रोकता है, कब्रिस्तान के बराबर में एक घर है, 3 मंजिला घर बना हुआ है कब्रिस्तान के बराबर में, बराबर में। वो कहती है आप यहां रुके, मैं आपके पैसे भेजती हूं। वो गाड़ी में बैठ जाता है, वो खातून उतरती हैं, और बजाय इसके कि वो घर में जाती, वो कब्रिस्तान में एंटर हो जाती है। अब ये उस खातून को देख रहा है कि यार ये तो घर का कह के गई है, ये यहां कहां जा रही है? वो अपनी गाड़ी से उतरता है, उसको वॉच करता है, आहिस्ते आहिस्ते धीमे कदमों से उसके पीछे पीछे जाता है। वो कब्रिस्तान में वो खातून दाखिल हुई, हाँ। और दाखिल होने के बाद ओझल हो गई। अब जब उसकी नजरों से ओझल हो गई तो वो भी कब्रिस्तान में जाके चारों तरफ उनको देखता है, वो खातून कहीं नजर नहीं आ रही। यानी उसके पीछे पीछे जा रहा था और पीछे चलते चलते वो अचानक सामने से गायब हो गई। कब्रिस्तान के बीच में खड़ा हुआ है, चारों तरफ नजर दौड़ा रहा है, वो खातून कहीं नजर नहीं आ रही, खातून गायब। अचानक सामने कब्र पे इसकी एक नजर कुतबे पे पड़ती है, उस कुतबे पे लिखा हुआ है किरण मुख्तार। अब जब वो किरण मुख्तार पढ़ता है, मोबाइल निकालता है, राइड चेक करता है, तो वो राइड में लिखा है किरण मुख्तार। वो कुतबे को देखता है तो उस किरण मुख्तार को मरे हुए जो कुतबे की डेट बता रही है, वो डेट बता रही है 30 साल पुरानी। एक सेकेंड, किरण मुख्तार जो कुतबे के हिसाब से 30 साल पहले मर चुकी है और उसी ने राइड करवाई थी, उसके साथ बैठ के आई है, कब्रिस्तान में गई है और जाने के बाद गायब हो जाती है। तो वो देख रहा है कि किरण मुख्तार की राइड थी और किरण मुख्तार इस कुतबे में भी लिखा है। गश्त खा के गिर जाता है। यार ये जो टैक्सी चलती हैं रातों को जी, इन लोगों को भी सैल्यूट करना चाहिए यार, आफरीन है उन लोगों पे। किस तरह आप अजनबी लोग गाड़ी में बैठते हैं और मुख्तलिफ लोगों से पाला पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। अब मुझे नहीं पता ये मेरी गाड़ी में जो बराबर में आके बैठा है कौन है, ये शख्स कौन है। दिन में तो चले सेट हो जाता है, लेकिन रात के पहर हैं और कब्रिस्तान से गुजर है और कब्रिस्तान के पास आपको रुकवा दिया जाता है, हाँ। और कहा जाता है कि मैं घर से पैसे लाके देती हूँ, तो घर का बोल के उतरी जरूर है लेकिन गई कब्रिस्तान में है। कब्रिस्तान में गई तो उसने अपनी ही कब्र से मुलाकात करवा दी किरण मुख्तार।
जिसको मरे हुए 30 साल हो चुके हैं।